आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में जानेंगे, ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट देखना जानेंगे, ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या हम लोग करते हैं। तो इस सब को ये अध्याय आज के इस अध्याय में हम लोग यही चीज़ लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो ट्रायल बैलेंस को हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस ये समरी ऑफ लेजर, आप इसको सिंपल सी भाषा सिंपल सी जवान में आप कहिए कि ट्रायल बैलेंस जो है ये समरी है लेजर का। दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि यह वह सूची है जिसमें एक लेखा बही के समस्त खातों लेखाओं को डेबिट या क्रेडिट पक्ष की राशियों का योग बराबर होते हैं। तो यह समझा जाता है कि खाते गणितीय दृष्टि से शुद्ध है, या इसको संक्षेप में आप कहिए तलपट या ट्रायल बैलेंस का मिलान खाता बही की गणित संबंधी शुद्धता की निशानी है। ये आपका ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट हो गया। अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं इसका डिफिनेशन, ये ट्रायल बैलेंस इज ए फाइनेंशियल रिपोर्ट शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द जनरल लेजर एट ए पॉइंट इन टाइम। क्रिएटिंग ए ट्रायल बैलेंस इज द फर्स्ट स्टेप इन क्लोजिंग द बुक्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो साल के लास्ट में, एंड ऑफ पीरियड मतलब साल के लास्ट में या महीना के लास्ट में आप जैसा भी रिपोर्ट बनाना चाहिए ये बना के आपको देता है। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए पढ़े हैं, जनरल लेजर पढ़ाए हैं, लेजर में आप भाउचर, लेजर के बाद आपको हम भाउचर एंट्री पढ़ाए हैं, और भाउचर एंट्री जब आप पढ़िएगा तो ट्रायल बैलेंस कंप्यूटर खुद बना के देता है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। खाली हमको इसमें समझना है, रिपोर्ट समझना है कि कैसे हम इसको रिपोर्ट देखते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का कुछ विशेषता कहिए या नियम कहिए, कुछ विशेषते होते हैं, मेन फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की विशेषताएं आप पहले जाने, इसमें खाते बही को, खातों को डेबिट और क्रेडिट योग या खातों के शेष को दिखाया जाता है। दूसरा विशेषता इसमें कहिए, या किसी निश्चित राशि को तैयार या तिथि को तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य खातों के शेषों की अंकगणितीय शुद्धता ज्ञात करना होता है। यह सामान्यतः वर्ष के अंत में बनाया जाता है। यह विशेष प्रकार की सूची होती है। यदि ट्रायल बैलेंस के डेबिट एंड क्रेडिट पक्षों को जोड़कर बराबर होते हैं तो आमतौर पर प्रविष्टियों को गणितीय दृष्टि से शुद्ध माना जाता है, और यदि उनके योग बराबर नहीं होते हैं तो यह समझा जाता है कि इनके गणितीय संबंधी कोई अशुद्धि है। यह ट्रायल बैलेंस अंतिम खाता तैयार किया जाता है, ये इस तरह से आपको तैयार करता है। यह विधिवत एवं तत्व रूप से हमारे समस्त लेखों की प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट हुआ। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस आप कैसे देखते हैं, फिर से बताते हैं कि ट्रायल बैलेंस का जनरल डिफिनेशन आप कह सकते हैं, ये ट्रायल बैलेंस इज ए समरी ऑफ लेजर, ये लेजर का समरी होता है, सारा डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कंपनी खोलिए जिसमें आपको काम करना है, जिसका ट्रायल बैलेंस देखना है, तो आप डिस्प्ले में जाइए, यहाँ पे देखिए हमने अपना कंपनी खोल के रखा हुआ है, इसी में आपको हम रिपोर्ट देखना सिखाएंगे कि रिपोर्ट आप ट्रायल बैलेंस का कैसे देखेंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यू ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट कैसे देखें, ट्रायल बैलेंस में रिपोर्ट कैसे देखते हैं, बहुत सारा बात है, आप जैसे कहिए इसको। अब हम यहाँ पे टैली खोल चुके, अब हमारा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, और इसमें सबसे नीचे में देखिए आपको डिस्प्ले दिखता है या डी हाईलाइट है, आप डी मारिए और इसको इंटर कीजिए। जो ही मारिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको डिस्प्ले मेनू में ट्रायल बैलेंस लिखता है। तो ट्रायल बैलेंस में या तो टी दबाएं या आप अपने माउस से हम इंटर मारते हैं, ये हमारा ट्रायल बैलेंस आपको दिखाया।
अब हम आपको पहले ही बताएं कि लेजर, ये जो हमारा है समरी ऑफ लेजर, पूरा लेजर का समरी दिखाता है। यहाँ पे दिखाता है कैपिटल अकाउंट आपका क्या है, करेंट लाइबिलिटीज में क्या है, करेंट एसेट में क्या है, सेल्स अकाउंट में क्या है, परचेज अकाउंट में क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, ये सारा आपको दिखता है। अगर आपको इसमें से किसी के बारे में जानना है करेंट लाइबिलिटीज के बारे में, तो आप इंटर मारिए, आपको फिर संडी डेबिटर्स दिखाया, फिर इंटर मारिए तो दिखाता है गणेश अकाउंट को आपको क्रेडिट है और राम अकाउंट, रोहन अकाउंट का डेबिट है, जो आपको इतना देने हैं जो हमारा शुरू में दिखाई दे रहा था। तो अगर इसमें भी देखना चाहते हैं किसी के बारे में, तो आपको ईश्वर पर मारिए और यहाँ पे लेके आता है कितना डेबिट और कितना क्रेडिट हुआ है इसके साथ है, और लास्ट में आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हमारा दिखता है। तो ये हमारा पर्सनली लेजर अकाउंट का देखने का तरीका हुआ। दूसरा, आप इससे बाहर निकलिए। अब यहीं पे रह के हम चाहते हैं कि डिटेल देखें, तो यहाँ पे दिया हुआ है F1, ये देखिए सबसे ऊपर में, और सिंगल हाइफन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोग अल्ट के साथ F1 मारेंगे, या आप माउस से इस पर क्लिक करिए। जो ही हम लोग इसे माउस से क्लिक करेंगे या अल्ट के साथ आप F1 दबाइए, तो आपको अब ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ देख सकते हैं कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट दिया, करेंट लाइबिलिटीज में सिंडिकेटर्स दिखाया जो 47 से और इतना है, हम आपको बताएं। करेंट एसेट दिखाता है आपका, इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक, सिंडिक डेबिटर्स, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट का कंसेप्ट देता है। ये आपका करेंट एसेट में हुआ होता है। सेल्स अकाउंट में आप देखिए सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न, परचेज में देखिए परचेज अकाउंट, डिस्काउंट ऑन परचेज, परचेज रिटर्न और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिस्काउंट ऑन सेल रेंट, ये सब आपको डिटेल वाइज लेजर में दिखाता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ओपनिंग स्टॉक, सिंडिकेटर्स, बैंक अकाउंट, किसी के बारे में आपको रिपोर्ट देखना है, आप इंटर मारिए, अब यहाँ पे लेके जाएगा, आपको बताएगा कि कैसे हुआ, कैश हुआ, कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ और हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है। इस तरह से आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं। हम एस्केप मार के फिर आप बाहर निकलते हैं। अगर आपको फिर नहीं चाहिए डिटेल, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर्ड, तो यहीं पे आप फिर क्लिक कर दीजिए, आर्ट के साथ F1 मारिए, ये आपको पहले जैसे चलाएगा। अब नीचे में दिया हुआ है पीरियड, F2 मारेंगे तो किस डेट से किस डेट के बीच का पीरियड आपको देखना है, यहाँ डाल के आप चाहें तो देख सकते हैं। अब इसे बाहर निकलिए। अब यहाँ पे देता है F5 लेजर वाइज। अगर आपको इसका ऐसे सपोज कीजिए कि हम लोग को तोड़ तोड़ के, चूंकि एक करेंट एसेट में अंदर के अंदर उसके अंदर में ही सब दिखाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं लेजर वाइज हमको दिखाए, तो या तो आप F5 मारिए या इस लेजर वाइज पे क्लिक कीजिए। ये देखिए हमारा सारा स्टॉक दिखाया आपको, यहाँ पे दिखाता है ओपनिंग स्टॉक का क्या है, अर्नब अकाउंट में क्या है, बैंक में क्या है, कैपिटल में क्या है, कैश आपका कितना है, डिस्काउंट ऑन परचेज, ये सारा आपको जितना भी आपने काम किया है, ये सारा आपको हमारा ये दिखाता है ग्रुप के हिसाब से, लेजर वाइज कहिए। फिर हम इसमें चाहेंगे कि ग्रुप मतलब हटा देना, तो फिर आप F5 मारिए या यहीं से आप क्लिक कीजिए, तो ये हट जाएगा, फिर उसी तरह से दिखेगा। अब उसके बाद हम लोग चाहते हैं ग्रुप वाइज देखना, तो F4 मारिए और इसमें आप अगर प्राइमरी ग्रुप, बैंक अकाउंट ग्रुप, जिस ग्रुप के हिसाब से देखना है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा इस रूप से देखने का प्रोसेस हुआ। तो ट्रायल बैलेंस में हमारा बोले ही है कि लेजर ऑफ समरी होता है, समरी का लेजर होता है, तो सारा डिटेल दिखाता है। अब इसके अलावा हम चाहें तो इसमें हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखता है F12, अपने कीबोर्ड से फंक्शन की में F12 मारिए, यहाँ लिखता है कॉन्फ़िगरेशन, सो ओपनिंग बैलेंस। आप अगर चाहते हैं कि हमारा ओपनिंग बैलेंस दिखे, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि जब भी धंधा हम स्टार्ट करते हैं और एक साल के लास्ट में जब वो लास्ट करता है, तो दूसरे साल के लिए जो बच जाता है हमारा बैलेंस, वो उसका ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। अगर आपको चाहिए ओपनिंग बैलेंस, तो आप इसको यस कीजिए। सो ट्रांजेक्शन, आप ट्रांजेक्शन के साथ साथ चाहते हैं कि सिर्फ यस अगर करेंगे, तो लिखता है नेट ट्रांजेक्शन ओनली। आप अगर इसको यस कर देते हैं, तो सिर्फ
ट्रांजेक्शन ही दिखता है, डेबिट और क्रेडिट कैसे हुआ सो नहीं देखता है। तो आप अपने हिसाब से यस या नो जो मन है कीजिए। यहाँ पर लिखता है शो क्लोजिंग बैलेंस, तो ये यस यस है ही, अगर आप इसको नो कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस वहाँ नहीं दिखेगा। अब नेक्स्ट है शो परसेंटेज, आपको कितना परसेंटेज उसमें लाभ हुआ, कितना परसेंट हानि हुआ, ये देखना है या इस टाइप से जानना है, आप इसको यस कीजिए। जो ही यस करेंगे तो पूछता है टाइप ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल्स दिखाएगा। उसके बाद सब है नेम्स ओनली, आपको डिफॉल्ट है, ये सब को डिफॉल्ट करके आप इसको यस करिए। अब जो ही किए ये देखिए हमारा सारा इस सब के अंदर में परसेंटेज के हिसाब से भी दिखाया है। तो आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी देख सकते हैं। तो फिर हटाने के लिए हम लोग को ही बात है F12 मारिए और फिर से यहाँ जा कर के हम लोग को 100% में इसको हम लोग को नो कर देने होंगे और फिर आगे चीज सब रखिए। तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप सेट करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इस रूप से ट्रायल बैलेंस देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारा परचेज अकाउंट क्या है, कितना रिटर्न हुआ नहीं हुआ, तो इस रूप में आप सारा देख सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में चलिए, अब यहाँ पे हमारा सब देता है करेंट लाइबिलिटी, हम बताएं आपको करेंट लाइबिलिटी में चलिए। और सन्डी डेबिटर्स दिया, यहाँ पे राम श्याम मोहन का दिया, आप इससे बाहर निकलिए। फिर हमारा करेंट एसेट में देता है कैश इन हैंड, आपके पास कितना अमाउंट है ये देखिए। कैश का देखना है तो सारा डेबिट और क्रेडिट करके आपको जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे सामने ला के दिया। तो इस तरह से आप चाहें तो ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट देख सकते हैं। तो पहले आप लेजर बनाइए, पहले कंपनी खोल के लेजर बनाइए, अब भाउचर एंट्री कीजिए और भाउचर एंट्री करने के बाद ऑटोमेटिक हम लोग डिस्प्ले में आके, यहाँ डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले में आके ट्रायल बैलेंस का सारा ऑप्शन आप इसको देख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हम लोग इसका रिपोर्ट कैसे देखते हैं, समरी कैसे जानते हैं, कौन सा मेरा लाइबिलिटीज है, कौन सा मेरा एसेट है, किस ग्रुप में है, सेल्स अकाउंट क्या है, सारे का डिटेल हम लोग कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा, आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।